हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित फ्रॉम रचित फिश कीपर। गैस व्हाट, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने जो फिश मंगवाई थी वो आज आ गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा हाउ टू अनबॉक्स ए फिश एंड उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें ताकि हम एक्वेरियम में जब डालते हैं तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स अनबॉक्स इट। तो आप सीजर लें और ये मैं तो अभी ये सिर्फ टेप काट रहा हूँ। ध्यान रखें अंदर पैकिंग है, ज्यादा बड़ी भी ना लें। ये देखिए, ये थर्माकोल इसमें इसलिए डाले हुए हैं ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इनकी आप को कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे निकाल सकते हो। और ज्यादा जल्दबाजी मत करें, नहीं तो आपकी फिश स्ट्रेस में आ जाएगी। सो दिस इज माय व्हाइट अल्बाइनो कैटफिश। आई डोंट नो कि आपको ये अच्छी तरह से दिख रही है क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं अभी इसे टैंक में डालूंगा जब आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी करी हुई है, इसे एसटीडी पैकिंग कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी ये रबर बैंड से टाई अप करा हुआ है एंड अपर ऑल्सो, क्योंकि ये फिश कई बार ना फिश यहाँ पे कट कर देती है तो फिर ये पूरा ओवरफ्लो ये पानी आ जाता है बाहर इसमें। तो डबल एसटीडी पैकिंग मुझे अच्छे से भी करना पड़ेगा। और ध्यान दें कि आप जब भी कोई फिश मंगवाए तो उसमें ऑक्सीजन जरूर डलवाएं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं डलवाओगे तो फिर ये आपकी फिश ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। तो मैंने फिश टैंक में डाल दी है और इसका 5 से 10 मिनट तक इसे रखें ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो सो लेट्स वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसे आई थिंक 7 मिनट्स हो गए हैं इसे। तो अब मेरे को इसे वो बाहर निकालते हैं। और ये मैंने यहाँ पे बकेट रखी हुई है, इसके अंदर इसे डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पानी में जो पानी इसके अंदर आया है, एक सेकंड ध्यान से रखें। सो नाउ यू कैन सी इट दैट ये मेरी फिश है, कैटफिश।
अल्बाइनो कैटफिश, इसे यहाँ पर इंडिया में इसे व्हाइट शार्क भी कहते हैं, पर बेसिकली ये कैटफिश है क्योंकि ये शार्क की तरह दिखती है इसलिए इसका नाम शार्क रख रखा है। तो आप यहाँ पे देखें, ये पाइप मैंने इसके अंदर डाली हुई है और ये यहाँ से ये बिल्कुल सेम ड्रॉप। अब इसके अंदर ड्रॉप वाइज इसे मैंने ये खोल, यहाँ से ये देखिए ड्रॉप वाइज इसके अंदर गिरने लग रहा है, आप देख सकते हैं ये सी, ये देखिए आप ड्रॉप्स गिरते हुए देख सकते हैं इस पानी के अंदर। और इसे अब आप इसके अंदर छोड़ दें, अब 10 मिनट्स तक इसे इसमें छोड़े ताकि, क्योंकि इसके अंदर जो ये पानी है और ये बिल्कुल सेम टेम्परेचर बन जाए और सेम इनके अंदर हो तो आप फिश को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा आप इसमें डालेंगे। तो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बैक इन दिस वीडियो अगेन। तो मैं इसे पहले इसे हटा देता हूँ, तो यू कैन सी इट, आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ। एंड ये सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको, ये मेरी ऑस्कर है, ये मेरे को कई बार अंदर आने नहीं देती है। बहुत बदमाश हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी से अब वो टाइम आ गया है जब मैं इसे अपनी फिश को, न्यू फिश को अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करूंगा। सो